हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएन शर्मा, माय सेल्फ नितिन कुमार। हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था इंट्रोडक्शन। इसका हमने पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था, आज हम करेंगे पार्ट टू इसका। ठीक है, तो पार्ट वन में हमने देखा था स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या होती है, उसके बाद हमने देखा था इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत सारे रोल्स देखे थे, आज हम उन रोल्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रोल हमने देखा था स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग रोल होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर का। तो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग होता क्या है? ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर आर मोर ग्रेजुएटेड फॉर स्ट्रक्चरल डिटेलिंग। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर की डिटेलिंग आ गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर का एनालिसिस आ गया, तो वो कौन करता है? स्ट्रक्चरल इंजीनियर करता है। सो दे आर मोर इन टू द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इसका मतलब हो गया कि वो मोर उसका जो काम ज्यादा होता है वो डिजाइनिंग के ऊपर होता है, स्ट्रक्चर का डिजाइन करना। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग प्रोसीजर्स कैरिड आउट बाय द स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स इंक्लूड कैलकुलेटिंग द लोड्स। ठीक है, तो इसमें जो प्रोसीजर हमारे पास कैरी होते हैं डिजाइनिंग में प्रोसीजर जो कैरी होता है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में, वो क्या क्या करना होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर को, उसमें उसको कैलकुलेट करने होते हैं, लोड को कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करना होता है जो बिल्डिंग पे एक्ट कर रही होती हैं, उसके बाद लोड को एनालाइज करना होता है, कैलकुलेट करने के बाद उसको एनालाइज भी करना उसको, उसके बाद डिजाइन करने, सेक्शंस डिजाइन करने, जैसे कॉलम डिजाइन करने बिल्डिंग के लिए, बीम्स डिजाइन करने। ठीक है, टू सस्टेन द लोड्स, ताकि वो लोड को सस्टेन कर सकें, जैसे कॉलम डिजाइन करेंगे बिल्डिंग के लिए, हम बीम डिजाइन करेंगे ताकि वो लोड को इजिली सस्टेन कर सकें, सो दैट द स्ट्रक्चर डिजाइन विल विदस्टैंड द लोड प्रेडिक्टेड सेफली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में ही हमारे पास, द स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है, आल्सो वो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में भी इन्वॉल्वड होते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर। ठीक है, बेस्ट सूटेड फॉर द स्ट्रक्चर, दिस विल हैंस आस्क फॉर अ गुड नॉलेज अबाउट द डिफरेंट मटीरियल्स दैट आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन एट द करंट कंडीशन, लाइक देयर इकोनॉमिक फैक्टर्स, स्ट्रेंथ फैक्टर्स एंड ड्यूरेबिलिटी फैक्टर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का और भी काम होता है कि उसको मटीरियल भी सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो वो मटीरियल किस बेसिस पे सिलेक्ट करता है? इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस पे, कि उसकी कास्ट किस किस हिसाब से है, ज़्यादा है तो नहीं लेगा वो, कम कास्ट पे उसको लेना है। देन स्ट्रेंथ फैक्टर देखता है कि जो मटीरियल वो ले रहा है उसका जो स्ट्रेंथ फैक्टर है वो स्ट्रेंथ वगैरह अच्छी हो, मटीरियल की ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, अच्छे देर तक चले मटीरियल, ऐसा ना हो कि आज लाया तो कल खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसमें ये है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में, द क्वालिटी फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स कैन बी एनालाइज्ड बाय द स्ट्रक्चरल इंजीनियर। ठीक है, तो जो भी क्वालिटी फैक्टर्स हैं हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल के, वो भी कौन देखता है? स्ट्रक्चरल इंजीनियर, क्योंकि वो डिजाइन करेगा, तो अगर उसको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तो वो डिजाइन उसका बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएगा, इसलिए उसको पता होना चाहिए कि उसका जो वर्क है उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या है। टू फाइनलाइज देयर सूटेबिलिटी इन द डिजाइन ऑफ बीम्स, कॉलम्स और फाउंडेशंस। ओके, तो और भी काफ़ी सारे इसके डिज़ाइन इंजीनियर जो है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है, उसके बहुत सारे काम है, जैसे कि डिज़ाइन करना। ठीक है, जो डिज़ाइन आजकल सॉफ्टवेयर पे ही होते हैं, जैसे ई टैब वगैरह से, स्टैड प्रो से, उसके बाद हमारे पास सैप से, तो बहुत सारे ये हमारे पास हैं जिनसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या करता है, डिज़ाइन करता है बिल्डिंग के जो भी पार्ट्स हैं, जैसे कॉलम बीम वगैरह होते हैं, उनको डिज़ाइन करता है। ठीक है, तो वो अपना डिफरेंट कंडीशंस के लिए उसको डिज़ाइन करने होते हैं, वो सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें एज्यूम करनी पड़ती है। ठीक है, कंडीशंस ऑफ लोड्स लाइक विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, उसके अकॉर्डिंग हमने बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैव टू स्टडी एंड वर्क विद दिस सॉफ्टवेयर विद द नॉलेज ऑफ बोथ टेक्निकल डिटेल एंड प्रोग्रामिंग डिटेल। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर को सॉफ्टवेयर के साथ भी काम करना और साइट वर्क पे भी जो भी टेक्निकल डिटेल है वो भी इंजीनियर को पता होनी चाहिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर को। टेक्निकल डिटेल में हमारे पास आ जाता है जो भी साइट डिटेल है, उसके बाद प्रोग्राम
प्रोग्रामिंग डिटेल में आ जाता है, हमारे पास सॉफ्टवेयर का भी उसको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, तभी वो काम कर पाएगा अच्छे से। इन सम ऑर्गेनाइजेशन द एनालिसिस इज कैरीड आउट बाय द प्रोग्रामर। तो सम ऑर्गेनाइजेशन में जो एनालिसिस है वो कौन कैरी करता है? प्रोग्रामर कैरी करता है, ठीक है। हु मे नॉट हैव द सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन बट इज असिस्टेड बाय द स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो हो सकता है उसको सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन ना हो लेकिन उसको असिस्ट कौन करता है? स्ट्रक्चरल इंजीनियर उसको असिस्ट करता है, ठीक है, प्रोग्रामर को, या जो भी प्रोग्राम करता है इस पे ईटा पे या फिर किसी सॉफ्टवेयर पे भी। वट एवर बी द मोड ऑफ एनालिसिस डन द स्ट्रक्चरल इंजीनियर मस्ट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटरप्रेट द रिजल्ट्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है उसको जो भी डिजाइन बनाया हुआ है, चाहे उसने बनाया या किसी ने बनाया, तो उसको वो डिजाइन पढ़ना आना चाहिए, दैट मीन्स उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए सॉफ्टवेयर पे, या फिर उसको सॉफ्टवेयर भी आना चाहिए ताकि कोई भी डिजाइन में दिक्कत हो तो वो अच्छे तरीके से जान सके कि इसमें ये वाली दिक्कत है। नेक्स्ट हमने जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी थी वो है हमारे पास साइट इन्वेस्टिगेशंस की, ठीक है। तो साइट इन्वेस्टिगेशंस भी हमारे पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है, स्ट्रक्चरल डिजाइनर जो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको साइट को इन्वेस्टिगेट करना होता है। तो इसमें हम देखें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। व्हेन व्हेन डीलिंग विद द साइट इन्वेस्टिगेशन द स्ट्रक्चरल इंजीनियर आर इन्वॉल्व इन चेकिंग द कंडीशन ऑफ द साइट, ठीक है। साइट इन्वेस्टिगेशन पे मोस्टली हम साइल को चेक करते हैं, ठीक है, चेकिंग द साइल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द लोड कैलकुलेशन बाय डिजाइनर, ठीक है। तो साइल पे क्या देखते हैं हम कि वो जो साइल है लोड को बेयर कर सकती है या नहीं कर सकती, ठीक है। इट मस्ट बी चेक्ड वेदर द साइल इज सूटेबल टू बेयर द कैलकुलेटेड लोड, जो हमने लोड कैलकुलेट किया है तो उसको वेदर वो बेयर कर सकती है साइल या नहीं कर सकती। अगर वो साइल बेयर कर सकती है तो वहां पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर वो बेयर नहीं कर पाएगी तो वहां पे हम स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है साइट इन्वेस्टिगेशन में, दिस इन्वेस्टिगेशन विल आल्सो डिसाइड द फाउंडेशन सिस्टम। तो जो इन्वेस्टिगेशन वो करेगा उसके बेसिस पे ही फाउंडेशन सिस्टम हम अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो अगर जो भी हमारे पास साइल है लूज साइल है तो उस हिसाब से हम पाइप फाउंडेशन वगैरह यूज करेंगे, अगर साइल हार्ड है तो हम शैलो फाउंडेशन वगैरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दैट मस्ट बी यूज फॉर द स्ट्रक्चर, एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर द साइल टू बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन। जो भी साइल पे ट्रीटमेंट होगा वो उसके इन्वेस्टिगेशन पे ही होगा, साइट इन्वेस्टिगेशन पे ही होगा। साइल को देखा जाएगा कि वो कैसी साइल है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर ट्रीटमेंट करने की जरूरत होगी तो ट्रीटमेंट किया जाएगा, नहीं होगी तो ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। दिस इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट बाई टेस्टिंग द साइल विच इज अ पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल इंजीनियर, जियो टेक्निकल इंजीनियर, ठीक है। तो जो भी ये इन्वेस्टिगेशन है वो कैरी होती है बाय द टेस्टिंग ऑफ साइल, साइल को टेस्ट करके ये कैरी होती है, ठीक है। बगैर साइल का टेस्ट किए हुए हम पता नहीं लगा सकते कि साइल जो है लोड बियर कर पाएगी क्यों नहीं कर पाएगी। तो ये जो टेस्टिंग का जो पोर्शन है वो जियो टेक्निकल इंजीनियर के अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर की या स्ट्रक्चरल डिजाइनर की, वो है कम्युनिकेशन, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर है वो उसके जो कम्युनिकेशन है जो है वो अच्छा होना चाहिए, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो इससे मैटर नहीं करता, लेकिन उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसको स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बाकी सारे इंजीनियरों के साथ कॉन्टैक्ट बनाना पड़ सकता है। तो अगर उसका कम्युनिकेशन पावर अच्छा नहीं होगा तो प्रोजेक्ट भी अच्छा नहीं होगा। तो हम इसमें पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास। इवन दाउ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स आर द वंस दैट ब्रिंग एंड डेवलप द डिजाइन आइडियाज, ठीक है। तो न्यू न्यू डिजाइन आइडिया वो ही बिल्ड करता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल्ड करता है, डिटेल वगैरह वही बिल्ड करता है। ही कैन ओनली सी इट हैपेंस ऑन द साइट ओनली इफ द स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड एज डिजाइन। फॉर दिस हिज इंटरप्रिटेशन एंड आइडियाज हाउ टू कन्वे इट विद द अदर मेंबर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, तो ठीक है, जो भी उसकी इंटरप्रिटेशन है, जो भी उसने डिजाइन बनाया, तब वो डिजाइन उसको दूसरे आदमी को भी समझाना पड़ेगा, ताकि क्योंकि जो काम करवाना है वो साइट इंजीनियर ही करवाएगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर वहाँ पे साइट पे नहीं करवाएगा, ठीक है।
द स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैज टू कोऑर्डिनेट एंड कंसल्ट अदर मेंबर्स, ठीक है, तो उसको अदर मेंबर को कोऑर्डिनेट करना है और अदर मेंबर से कुछ मेंबर से कंसल्ट भी करना है, लाइक साइट इंजीनियर से उसको लिंक बनाना है, अगर साइट इंजीनियर से लिंक बनाना है तो उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, डिजाइन इंजीनियर से अगर उसको लिंक बनाना है उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, देन जियो टेक्निकल इंजीनियर से लिंक बनाना है, देन लैंडस्केप आर्किटेक्ट से उसको लिंक बनाना है, तो उसको कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर नॉलेज हेल्प्स इन स्प्रेडिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन अमंग द ग्रुप, अवॉइडिंग द कन्फ्यूजन एंड एरर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, हमारे पास रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में क्या है कि जो भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन है उसको मैनेज करना है, तो हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्टार्ट्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ सफिशेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है इसमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्शन ऑफ सफिशेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, सफिशेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, फॉर द प्रोजेक्ट टू द एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो मतलब कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, कलेक्शन से लेके एग्जीक्यूशन तक, ठीक है, जहाँ से हम कलेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन वहाँ से लेके एग्जीक्यूशन तक, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटीज ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट, इन सर्टेन क्रिटिकल सिचुएशन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मटीरियल, सम क्रिटिकल सिचुएशन में उसको मटीरियल हैंडलिंग भी करनी पड़ सकती है, इक्विपमेंट डिलीवरी वगैरह भी करनी पड़ सकती है, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चरल इंजीनियर को करनी पड़ सकती हैं। दे कंडक्ट फ्रिक्वेंट चेक्स, ठीक है, फ्रिक्वेंट चेक्स उसको करने पड़ते हैं क्योंकि डिज़ाइन उसने बनाया है, तो अब उसको ही पता होगा कि डिज़ाइन ठीक बना है या गलत बना है, इसलिए उसको साइट पे आके चेक भी करना पड़ सकता है कि क्या बना हुआ है, ठीक है, लेबर ने क्या किया हुआ है, कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं, ओके। देन हम नेक्स्ट रोल टाइप की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, वो हमारे पास है ट्रेनिंग वर्क्स, ठीक है। ट्रेनिंग वर्क्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट हैं, हम देख लेते हैं। नॉट ऑल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स आर ट्रेंड फॉर द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सारे जितने भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं तो उनको ट्रेंड नहीं किया जाता कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, सम आर ट्रेंड थ्रू द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो कुछ जो ऐसे होते हैं जिनको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है उनसे उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता चल जाता कि हमें कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या काम करना है, किस टाइम पे करना है, ठीक है। और कुछ हमारे पास होते हैं उनमें स्टैंडर्ड स्किल्स होते हैं, स्टैंडर्ड स्किल डाले जाते हैं थ्रू द ट्रेनिंग एक्टिविटीज से उनमें स्टैंडर्ड स्किल डाले जाते हैं, जबकि उनको बताया जाता है कि प्रोजेक्ट को आपको कैसे करना है, सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं उनको। एज कंस्ट्रक्शन इज एन इंडस्ट्री प्रोन टू मोर ऑफ सेफ्टी इशूज, तो जो सेफ्टी इशूज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो जो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि वो जो भी वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग साइट है, उस पर जो है सेफ्टी रूल्स वगैरह फॉलो करें, ठीक है। Organizations, authorities can train the structural engineers for special quality certification or for special analysis and design software. तो वो उनको जो organization है जिस organization में वो काम कर रहा है structural engineer, वहाँ पर उनको training दी जाती है designing software के बारे में, special analysis के बारे में, उसके बाद special quality certification के बारे में सब कुछ बताया जाता है। Proper knowledge of the national codes of the area of an important technical knowledge for any structural engineer, तो जितने भी जो भी national codes हैं उसके बारे में भी knowledge दिया जाता है structural engineer को, ताकि जो काम है वो अच्छा हो सके, quality जो काम हो सके, ठीक है। तो इसके साथ ही ये वाला lecture ख़त्म होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी doubt हो तो comment section में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। इफ यू लाइक द videos then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.